केंद्र सरकार के विरोध में आज शुक्रवार को रांची के जिला स्कूल कैंपस से राजभवन तक INDIA गठबंधन के बैनर तले सभी घटक दलों ने आक्रोश मोर्चा निकाला। मौके पर मौजूद नेताओं ने कहा कि भाजपा लोकतंत्र की हत्या कर रही है, देश में आपातकाल की स्थिति है, सदन में जबरदस्ती गैर कानूनी सभी फैसले लिए जा रहे हैं, गैर संवैधानिक तरीके से देश के विपक्षी नेताओं पर कार्यवाही की जा रही है। आने वाले दिनों में महागठबंधन के नेता संविधान को बचाने के लिए और भी उग्र आंदोलन करेंगे। आक्रोश मार्च में शामिल नेताओं ने 140 सांसदों को संसद से निलंबित करने की बात को केंद्र सरकार की तानाशाही बताया। तो विडंबना है कि जिस तरह से यहाँ पर डिक्टेटरशिप का एक स्वरूप सामने आ गया, क्योंकि जो 3 बिल पास किए गए जिसमें लोगों के अधिकार, लोगों के सम्मान को छीना गया, और सबसे बड़ी बात कि चुनाव आयोग के संबंध में जो एक बिल पास हुआ, आप ये समझ लीजिए कि यहाँ का लोकतंत्र समाप्त हो चुका है। अब सर्वशक्तिमान ECI हो चुका है कि आज यदि कोई भी उम्मीदवार भाजपा का हो, यदि वो केवल नॉमिनेशन कर दे, वो प्रचार भी ना करे, उसका जो रिटर्निंग अफसर, क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन के प्रतिनिधि के तौर पर काम करता है, वो उसको डिक्लेयर्ड विन कर देगा और उस प्रक्रिया को आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर पाएंगे। तो 545 आप ऐसे ही ले लीजिए, आप लगा दीजिए यहाँ पर शासन अपना। क्या माखोल उड़ाने का जरूरत है कि आप संविधान रहेगा, आपका ये रहेगा, चुनाव आयोग रहेगा, राज्य रहेंगे, कोई मतलब नहीं रह गया। लेकिन ठीक है, संसद तुम्हारा हो सकता है लेकिन सड़क तो हमारा है, और सड़क से तो तुम हमें नहीं हटा पाओगे क्योंकि ये देश हमारा है। नहीं, देखिए जो हालात बने हुए आज देश में, हर तरफ लोग परेशान हैं, और परेशानी की हालत ये हो गई है कि कोई बेरोजगार जाके सदन में कूद जाता है और उसको जेल के सलाखों के पीछे रखा जाता है। जो सांसद भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, जिसने पास मुहैया कराया है, एक तरह से उन बच्चों को फंसाने का की साजिश रची है, षड्यंत्र किया है, वैसे सांसद को छोड़ा गया है। और उस बात को अगर हम कहते हैं कि इसमें गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी बयान दे दें, तो हमारे सांसदों को, 145 सांसदों को बाहर कर दिया जाता है, जो करोड़ों लोगों की आवाज़ को बुलंद करने का काम करते हैं, करोड़ों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपने देखा किस तरह से कल राज्यसभा में उपसभापति जगदीप धनखड़ बोल रहे थे, अपने जात के बारे में भी बताया, अपने किसान वर्ग के बारे में भी बताया, किसान की बेटी, जाट की बेटी साक्षी मलिक दुखी होकर के आंसू गिराते हुए उसको ब्रजभूषण सिंह के चलते संन्यास लेना पड़ता है, इन सारी बातों को सदन में नहीं सुना जाएगा तो निश्चित रूप से हम लोग को सड़क पर आना होगा। ये ठीक उसी तरह की हरकत हो रही है जो 1933 में जर्मन में हिटलर ने किया था, सदन पे हमला हुआ था और उसके दूसरे दिन से इसी तरह का रवैया उसने अपनाया था, और ठीक वही उसी पद्धति पर एक बार इतिहास को दोहराते हुए इस देश की सरकार चल रही है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।